जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है एक नए एपिसोड की शुरुआत। बहुत सारे विद्यार्थी का लगातार कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर आप छोटा वीडियो नहीं बनाते हैं। छोटा वीडियो में होता क्या है कि जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो कम समय में एक एक टॉपिक करके उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज से हॉट ट्रिक बाई आर के सर के नाम से एक एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जिसके द्वारा आपको 5 या 10 मिनट का वीडियो मिलेगा और एक वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे सुबह 6 बजे एसएससी स्पेशल सुपर 30 का धुआंधार सॉल्यूशन चल रहा है और रात में 7:30 बजे रेलवे स्पेशल सुपर 30 का धुआं धुआं हो रहा है। सारे बच्चे लाइव जुड़ते रहिए। इस प्रकार के एपिसोड का आप लगातार आपको फायदा मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में अपना विचार कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मैं इस प्रकार के वीडियो हर टॉपिक का लाते रहूंगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं भिन्नों का सीरीज। इतना बड़ा बड़ा भिन्न का जो सीरीज है, इसको हम चुटकियों में आंसर कैसे कमेंट कर पाएंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा। हॉट ट्रिक, गर्मा गर्म ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। आ जाइए पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। देखिए इस सीरीज का हम लोग आंसर डायरेक्ट कैसे आंसर मारेंगे। हॉट ट्रिक, देखिए गौर से देखिएगा तो यदि आपको लग रहा है कि 1/1.4 और 4.7 लिखा हुआ है तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ये गुना में लिखा हुआ है, ऐसे 1/1.4 + 1/4 + 1/7 + 1/7 + 10 + 1/7 + 13 + 1/13 + 16। क्योंकि दशमलव वाला इतना बड़ा रहेगा तब तो एलसीएम लेते लेते आदमी पागल हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी तोड़ के लिखा हुआ है तो इसका आंसर मारना और आसान हो गया। यह एक सीरीज है, देखिए ऊपर सब में एक एक है, नीचे गौर से देखिएगा तो जो फैक्टर के रूप में टूटा हुआ है उस फैक्टर का अंतर सेम है। देखिए 1/4 3 का अंतर, 4/7 3 का अंतर, 7/10 3 का अंतर, 10/13 3 का अंतर, 13/16 3 का अंतर। या तो फैक्टर में एक एक का अंतर रह सकता है, दो दो का अंतर रह सकता है, 3-3 का अंतर रह सकता है, 4-4 का अंतर रह सकता है। वैसे मैक्सिमम 3 का ही अंतर देखा गया है। अब इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे, तो कुछ नहीं करना है। यदि टूटा हुआ फैक्टर में तब तो ठीक है, यदि नहीं टूटा हुआ है तो आपको तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट 1/ शुरू वाला का छोटा फैक्टर, बीच में माइनस। बोले सर प्लस प्लस है तो बीच में माइनस कहां से ले आए, तो मैं लॉन्ग मेथड में पहले एक वीडियो में और बताया है, उसको ढूंढ के आप देखिए बहुत मजा आएगा कि कैसे आ जाता है। लेकिन यहां शॉर्ट ट्रिक, 1/ शुरू वाला छोटा फैक्टर, बीच में माइनस, 1/ अंतिम वाला बड़ा फैक्टर, सब में यही करना है। चाहे 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है, फैक्टर में जितना का अंतर हो, 1/ शुरू वाला छोटा फैक्टर माइनस 1/ अंतिम वाला का बड़ा फैक्टर, और कुछ नहीं करना है, बीच वाला सब कट जाता है, कुछ नहीं करना। यदि 3 का अंतर है तो 1/3 कर देना है, 2 का अंतर फैक्टर में रहेगा तो 1/2, 1 का अंतर रहेगा तो 1/1 करिए अथवा नहीं। बस अब आंसर मार दीजिए फटाफट तूफानी अंदाज में, कुछ नहीं। एलसीएम 16 में से 1 घट गया 15, 1/3, 3 से काटेंगे 5 * 3 = 15, ऊपर 5 * 1 = 5/16, टकाटक हम सभी का आंसर आ गया 5/16, ऑप्शन नंबर ए। क्या सीखे, 1/ शुरू वाला छोटा फैक्टर माइनस 1/ अंतिम वाला बड़ा फैक्टर, 3 का अंतर है तो 1/3, 2 का अंतर 1/2, 4 का अंतर 1/4 बन जाएगा। अभी और लाता हूं, यह पूछा गया सभी क्वेश्चन में ला रहा हूं। चलिए आ जाओ यहां पे। अब बोलिया कि सर यहां पर तो, वहां पर तो लिखा हुआ था कि कितना के अंतर में टूटेगा, यहां तो पता ही नहीं चल रहा, तो सोचते हैं। आपको नहीं लग रहा 20 है 30 है 42 है, नहीं लग रहा है कि 4 × 5 5 × 6 6 × 7 7 × 8 8 × 9 9 × 10। हालांकि बीच वाला तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अंतर शुरू वाला और लास्ट वाला से। अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, 1/ शुरू वाला का छोटा फैक्टर माइनस 1/ अंतिम वाला का बड़ा फैक्टर, और कुछ नहीं करना है, 1 का अंतर है तो 1/1 करिए चाहे नहीं करिए। 1 का अंतर है तो 1 से भाग दीजिए अथवा नहीं दीजिए, 2 का अंतर है तो 2 से भाग देंगे इसलिए 1/2 करेंगे, 3 का अंतर है तो 1/3 करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। और क्या, 4 और 10 का एलसीएम 20, 4 और 10 का एलसीएम 20, 20 में 4 से भाग देंगे 5 5 = 5, 20 में 10 से भाग देंगे 2 = 2, 5 में से 2 घट गया 3, हम सभी का आंसर आ गया 3/20, 3/20 ऑप्शन नंबर डी। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, इसका जवाब अब देखिए यहां पे सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। आपको नहीं लग रहा है कि विषम संख्या है, इसको हम यदि लिखते हैं 5 × 7, गौर से देखिए
पांच गुना सात, तो ये सात गुना नौ नहीं टूट रहा, ये नौ गुना ग्यारह, ये ग्यारह गुना नौ गुना ग्यारह, यहां पर से एक चीज गायब है, यहां पर एक चीज और होना चाहिए था हम सभी का, एक बटा एक सौ तैतालीस गायब है यहां पर, प्लस करके एक बटा एक सौ तैतालीस भी लिख दीजिए, ताकि ये ग्यारह गुना तेरह ये टूट जाएगा, तेरह गुना पंद्रह और ये हो जाएगा पंद्रह गुना सत्रह। आप तोड़ के देखिए, बोले सर गायब अपने मन से काहे कर दिया, वहां पे छूट गया होगा टाइपिंग करते समय। यहां पे ध्यान देना जरूरी है कि ये सीरीज के रूप में रहेगा तो निश्चित है रेगुलर सीरीज के रूप में बैठेगा। जैसे ही पांच गुना सात है तो सात गुना नौ, नौ गुना ग्यारह, तो यहां पर एक बटा एक सौ तैतालीस आएगा ही आएगा, ग्यारह गुना तेरह ही, तेरह गुना पंद्रह ही, पंद्रह गुना सत्रह। आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा मेरे शेर बहादुरों, तो यहां पर हम सभी का आ जाएगा एक बटा शुरू वाला छोटा फैक्टर पांच माइनस एक बटा अंतिम वाला बड़ा फैक्टर सत्रह, और फिर हम लोग क्या करेंगे एक बटा दो। अब क्या है, कुछ नहीं, एलसीएम सत्रह पचे पचासी, चूंकि दो का अंतर है इसलिए एक बटा दो। देखिए पांच सात, सात नौ, नौ ग्यारह, ग्यारह तेरह, तेरह पंद्रह, पंद्रह सत्रह, पचासी एलसीएम, पचासी में पांच से भाग देंगे सत्रह का है सत्रह, पचासी में सत्रह से पांच, सत्रह में से पांच घट गया बारह गुना एक बटा दो। अब इसको हम लोग काटेंगे, दो से दो छह के बारह, ऊपर हो गया छह का ही छह और नीचे बटा में पचासी, छह बटा पचासी ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है चुटकियों में, एक बटा शुरू वाला छोटा फैक्टर माइनस एक बटा अंतिम वाला बड़ा फैक्टर, जितना का अंतर है उतना से भाग देना है। आ जाइए, इसको कैसे पता चलेगा कितना कितना का अंतर है, आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। नहीं लग रहा है कि छह नंबर चौवन है, आई नौ गुने बारह एक सौ आठ, आई बारह गुने पंद्रह एक सौ अस्सी होता ही है। तो बोले सर आप छह गुना नौ का है सोचे, अठारह या चौवन का ही नहीं सोचे, तो हम ऐसा सोचेंगे कि आगे वाला भी उस अंतर में टूटे, सीरीज है तो टूटेगा ही टूटेगा, गारंटी है। ये हम पंद्रह गुने अठारह आई अठारह गुना इक्कीस, देखिए तीन तीन के अंतर है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, एक बटा शुरू वाला छोटा फैक्टर यानी छह माइनस एक बटा शुरू वाला छोटा फैक्टर यानी छह, अंतिम वाला बड़ा फैक्टर यानी इक्कीस, अंतर कितना का, छह तीन नौ, नौ तीन बारह, बारह तीन पंद्रह, पंद्रह तीन अठारह, अठारह तीन इक्कीस, तीन का अंतर है तो एक बटा तीन। मेरे शेर बहादुरों यहां पे छह और इक्कीस का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर छह और इक्कीस का एलसीएम यदि आप देखिएगा तो हम सभी का हो जाएगा बयालीस, बयालीस में छह से भाग सात एक सात, बयालीस में इक्कीस से भाग दो, सात में से दो घट गया पांच। अब क्या है, कुछ नहीं है, तो गुना पांच का पांच कट भी नहीं रहा है, बयालीस दिया एक सौ छब्बीस, पांच बटा एक सौ छब्बीस, पांच बटा एक सौ छब्बीस ऑप्शन नंबर ए है, पांच बटा एक सौ छब्बीस। मजा आया, कुछ नहीं, एक बटा शुरू वाला छोटा फैक्टर माइनस एक बटा अंतिम वाला बड़ा फैक्टर, जितना का अंतर है उतना से भाग। अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के लिए ऑफर है, इसका आंसर आप सभी को देना है, ऑफर धमाका, कुछ नहीं, देखिए आप टूट रहा है ना, एक गुना दो, दो गुना तीन, पूरा तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया ग्यारह गुना बारह। आप बताओ डायरेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी बच्चों को आंसर कमेंट करना है। इसके अलावा मेरे शेर बहादुरों, आप हमारा एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पर आरके सर ऑफिशियल लिखे, उसको इंस्टॉल करिए और रजिस्टर लॉग इन करिए, वहां से ऑफर का आप सभी बच्चे फायदा उठाइए। ऑफर चल रहा है जिसमें कूपन कोड यूज करना है आरके 50, सभी कोर्स पर 50% डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। चाहे तो आप एएलपी का टारगेट बैच पढ़ रहे हो, या 10 फरवरी से हमारा 8 से साढ़े 9 एम न्यू बैच, न्यू वाला बुक से आ रहा है, तो इसे आप अभी ऑफर में बाई कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मेरा फाउंडेशन पहले से भी चल रहा है, जो कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है, और एक पहले से पूरा समाप्त हो चुका है, जिसे एक छोटा मोटा सहयोग राशि देके आप जल्द से जल्द एक बार पूरा जीरो से मैथ सीख सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, उसमें कोर्सेस में सारा जानकारी मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है आरके सर ऑफिशियल, इसको इंस्टॉल करके रजिस्टर लॉग इन करिए, और सारे बच्चे फाइव स्टार रेटिंग दीजिए, पांचों स्टार को ग्रीन करिए, और जरूर कोर्स परचेज करिए, या तो वहां से आपको फ्री में बहुत सारा पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ये जीरो टू हीरो वाला न्यू बैच आ रहा है 10 फरवरी से न्यू बुक से। इसके अलावा सुपर 30 रेलवे का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन तो मैं पीडीएफ
सॉल्यूशन और पीडीएफ तो मैं आपको फ्री में ही दे रहा हूं, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे लगातार लाइव चल रहा है, लेकिन आप टेस्ट भी दे सकते हैं इसका, मात्र 99 रुपया में 100 टेस्ट, रेलवे का, एसएससी का भी मात्र 99 रुपया में 100 टेस्ट। 100 टेस्ट मारते मारते माइथ आपके सामने थर थर का अपना शुरू हो जाएगा और लगातार सॉल्यूशन यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है। इसका लाभ है एमटीएस का 50 मॉक टेस्ट लाया हूं, 20 मैथ 20 रीजनिंग, पेपर वन का सिलेबस मालूम है ना, तो वहां से आप जुड़ के एमटीएस का टेस्ट दे सकते हैं जिसका शनिवार और संडे को सॉल्यूशन यूट्यूब पर ताबड़तोड़ चलेगा। एमटीएस पेपर वन का मेरे शेर बहादुर कुछ नहीं, 50 मॉक टेस्ट मारिए और भंडारा लगा के 1200 मैथ 1200 रीजनिंग जो पिछला साल पूछा गया 2022 में चैप्टर वाइज भी मैं उसको करवाऊंगा। बस इतना ही पढ़ना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करिएगा। इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन का 3 PM से अभी मास्टर क्लास चल रहा है ताबड़तोड़ चैप्टर वाइज, उसके बाद सुपर 45 का मेरा बुक आने वाला है, इसका भी मॉक टेस्ट और सॉल्यूशन चलेगा। तो इस बैच में भी आप ऑफर का फायदा उठाएं, RK50 कूपन कोड यूज करें। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर है 97093448414 और 7870424448। जरूर ऑफर का सभी बच्चे फायदा उठाएं और नए बच्चों को शेयर करें। इस प्रकार के क्लास छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय।